नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्य तम त्रिला प्रविष्ट विष्णु पादाष्ट तर सत शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कुल दंडवत व्यापन करता हूँ तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी चरण आनंद। कल हम लोग राधा कुंड का प्रसंग सुन रहे थे, किस प्रकार राधा कुंड कहाँ है ये सब सुन रहे थे। राधा कुंड कैसे बना, कृष्ण कुंड कैसे बना। श्री कृष्ण ने जिस दिन अरिष्टासुर का वध किया उसी दिन रात्रि काल में इसी स्थान पर श्री कृष्ण के साथ श्री राधिका आदि प्रियाओं का मिलन हुआ। बताया था ना कृष्ण का 12 बजे के बाद सखा सखियों के साथ मिलते हैं। अष्टपहर की लीला में कृष्ण कब कब क्या क्या करते हैं बताया था ना। कितना पैर होता है? 8 पैर। एक पहर कितने घंटा का होता है? 3 घंटा। एक पहर 3 घंटा का होता है। लीला होती है 3-3.5 घंटा का, समझ में आया? तो सबसे पहले प्रातः काल में क्या लीला होता है और जटिला कुटिला को भगवान को उठाते हैं। फिर अर्चन, फिर स्नान कराते हैं अर्चन करते हैं, स्नान करके वस्त्र इत्यादि धारण करके फिर क्या करते हैं? भोग बनाते हैं या नंदालय में जाके 9 बजे, 9 बजे से 12 बजे तक भोग इत्यादि बना के फिर सजते हैं जंगल में जाने के लिए। 12 से 3 तक सूर्य कुंड राधा कुंड में मिलन होता है। 3 के बाद, उसके बाद 3 से 6 तक, 3 से 6 तक गाय चराते हैं, वो भी सब लीला होता है 3 से 6 तक। उसके बाद 6 से 9, 6 बजे घर पे आ जाते हैं कृष्ण। राधा रानी वस्त्र पहन के अलंकार इत्यादि करके सफ़ेद कपड़ा पहन के रसोई बनाती हैं 6 से 9 तक, और रसोई बना के फिर उसको भिजवाती हैं। क्या क्या बनाती हैं? कपूर केली ये सब बनाते हैं, लड्डू मोदक बना के कृष्ण के लिए भेजती हैं। धनिष्ठा सखी झांक झांक के देखती हैं कृष्ण कैसे खा रहा है। राधा रानी इधर उतावली रहती है कि कब आकर के हमको बताएंगे क्या बना, कैसा अच्छा लगा कृष्ण को। और फिर आके राधा रानी उनको बताते, राधा रानी को बताते धनिष्ठा सखी ये सब उच्चिष्ट प्रसाद लेके श्रीमती राधा रानी को देते।
फिर राधा रानी पाती हैं, पाके फिर 12 बज जाता है, फिर 12 बजने के बाद फिर लीला में जाना होता है। उनको कौन सा लीला में जाने के लिए ले जाते हैं? रास लीला में। रात को 12 बजे से फिर 3 बजे तक लीला होती है। समझ में आया? ऐसे करके अष्टकालीन लीला है। तो ऐसे ही 12 बजे के समय अरिष्टासुर को मार के श्रीमती राधा रानी से कृष्ण मिलने गए और प्रियाओं के साथ मिलन हुआ। श्री कृष्ण बड़े आतुर के साथ श्रीमती राधा जी का आलिंगन करना चाहा। जैसे आए मिले और ऐसा आलिंगन करने कृष्ण को कहा, दूर दूर दूर, तुमको पाप लग गया, तुम पापी हो, दूर रहो दूर रहो, ऐसा कहा श्रीमती राधा। बोलते कैसे मैं पापी हो गया, कैसा पाप लग गया, बहुत बड़ा पापी है तुम, दूर, ऐसा कहा। नहीं समझे? बोलते कैसे? बोलते तुमने एक गोवंश की हत्या किया। किसका हत्या किया? ये गोवंश कौन है? अरिष्टासुर, जो कि सांड का रूप लेकर के भगवान को मारने आए थे। तो भगवान हंस के कहने लगे कौतुक पूर्वक कि अरे वो गोवंश थोड़ी था, वो तो राक्षस था। गाय का, बैल का, भैंस बना के आया, बैल का रूप बना के आया था, मैं तो असुर को मारा, मुझे क्यों पाप वाला स्पर्श करेगा। राधा रानी कहती कुछ भी हो, कुछ भी था तो सही, वो गौ जाति का देखने में तुमको पाप लगा। समझ में आया? तुम्हारा पाप कैसे धुलेगा हम समझ नहीं पा रहे। तो कृष्ण ने कहा तो फिर क्या किया जाए? बोलते भूखंड में, भूमंडल में जितने भी तीर्थ है, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदी, नर्मदा, गोदावरी, सब में डुबकी लगाओ और ब्राह्मणों को दान दो। और फिर उसके बाद जितने भी कुंड है, सरोवर है, सब में डुबकी लगा के आना पड़ेगा। जब जाके तुम्हारा पाप कुछ ठीक से ध्वंस होगा, तो माँ पाप लगाए तुम, ऐसा कहा। अब राधा रानी को जब ऐसा कहा, राधा रानी जब ऐसा कहा तो कृष्ण मुस्कुराते हुए क्या किया? अपने एक एड़ी मारा धरती पे, धरती फट गया और विशाल कुंड जैसा बन गया। क्या बन गया? किससे बनाया? एड़ी से। बहुत लोग कहते बांसुरी को ऐसे खोदा, ऐसे ऐसे, है ना? बांसुरी से नहीं, किससे बनाया? एक एड़ी मारा, विशाल कुंड का निर्माण हो गया और समस्त तीर्थ स्वरूप स्वरूप दिव्य मूर्ति लेकर के खड़े हो गए। जितने भी संसार में तीर्थ है वो सभी तीर्थ मूर्तिमान स्वरूप लेके खड़ा हो गया और कृष्ण की तप स्तुति करने लगे और कहा प्रभु हमको स्वीकार करो, ऐसा कहा। और देखते ही देखते सुंदर निर्मल स्वच्छ जल हो गया, ऐसा सुंदर दिव्य जल कुंड से भर गया। और फिर उस कुंड में नहा के खिल खिल के हंसते, देखो हमारा कुंड कितना अच्छा है, अमृतमय है, बहुत सुंदर है, कितना आनंद आ रहा है, अंदर भी बाहर भी सब जगह से आनंद आ रहा है, ऐसे ऐसे कृष्ण। राधा रानी ऊपर खड़ी होकर देख रही है। बोलते तुम भी बता, हम नहीं नहाएंगे तुम्हारे नहाने से, वो मैला हो गया पानी तुम्हारा पाप उस पानी में आ गया, हम तुम्हारे कुंड में तो कभी नहीं नहाएंगे, चक्का। और फिर बोलते फिर हम भी अलग कुंड निर्माण करेंगे, तुम्हारा सुंदर है, तुम्हारा जिससे ज़्यादा सुंदर हम अपना कुंड बनाएंगे। ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंग देवी, भूदेवी सबको बुला लिए। राधा रानी की सखी की कमी है? कितनी सखी है पता है? 100 करोड़ गोपियाँ हैं। और थोड़ा थोड़ा सा खोदा, एकदम से बड़ा कुंड बना दिया, बहुत बड़ा कुंड बन गया। अब कुंड में पानी कैसे भरे? कृष्ण कहता है हमारा पानी ले लो,
अच्छा हमारा पानी ले लो यहाँ से। बोलते ना, वो पानी पाप युक्त है, मैला है, उस पानी को हम नहीं लेंगे। अच्छा कहा। बोलते क्या करेंगे? बोलते हमारे पास सखियों की कमी थोड़ी है, मानसी गंगा से हम पानी भरेंगे। और सब सखियाँ, करोड़ों सखी मानसी गंगा में घड़ा लेके गई थी, और जानते भरी देंगे, इतने 1 करोड़ सखी है तो एक एक घड़ा भी डालेंगे तो हो जाएंगे, नहीं भर जाएगा है, बहुत भर जाएगा। इतने में कृष्ण कुंड कृष्ण तीर्थों को बोला, जाओ जाके तुम लोग रास्ता घेर के राधा रानी के चरणों में लोटपोट हो जाओ। ऐसा कहा। और तीर्थ सब आकर के श्रीमती राधा रानी के चरणों में सब लेट गईं, सारी सखियों के रास्ता घेर के खड़े हो गए, लेट गईं और आके कहने लगे, हे राधे, राधा रानी की गोपियों की स्तुति किया तीर्थ। क्या किया? राधा रानी और गोपियों के, समस्त गोपियों की स्तुति किया। और स्तुति करने के बाद कहा, राधा रहे राधे, हमको स्वीकार करिए आप। ऐसा कहा। तो श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होकर के उनको कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग इतना गिड़गिड़ा रही हो तो आ जाओ हमारे कुंड में भी आ जाओ। ऐसा कहा। समझ में आया? और फिर राधा रानी के कुंड भी स्वच्छ निर्मल और कृष्ण से ज्यादा सुंदर कुंड हो गया। और कृष्ण तो क्या है पता है? कृष्ण क्या है? कृष्ण है बिन बुलाए मेहमान, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता। कृष्ण कह रहे, ये कुंड तो हमारे से भी अच्छा है, और अपने आप तो खबरदार उतरना नहीं, पाप कर देगा, उतरना नहीं है। अच्छा, अब फिर भी जबरदस्ती उतर के, वो तो बहुत अच्छा है, मैं इसमें नहाऊंगा। ऐसे समझ में आया। और कुंड के, कृष्ण कुंड के प्रभाव से वो बांध अपने आप टूट गया, और वहां क्या बन गया? संगम कुंड, संगम स्थली बन गया। उसके नीचे से ऐसे टूट गया, किससे? पानी के प्रभाव से अपने आप ऐसा हुआ। तो वो क्या बन गया? संगम विहार बन गया, जल विहार कुंड में करने लगे। हाँ, तो इसलिए कि ये जो कुंड निर्माण हुआ, कितने किस समय निर्माण हुआ? अर्धरात्रि में। किस समय? अर्धरात्रि में। राधा कुंड का प्राकट्य अर्धरात्रि में हुआ, राधा कुंड और श्याम कुंड का। इसीलिए कार्तिक माह की कृष्णाष्टमी के अतः उस बहुलाष्टमी की अर्धरात्रि में लाखों लोग यहाँ स्नान करते हैं। इसलिए क्योंकि उसी दिन जो बहुलाष्टमी है ना, उसी दिन कुंड का निर्माण हुआ, राधा कृष्ण उसी दिन कुंड का निर्माण किया। हाँ, अगय अष्टमी होता है यहाँ, बहुलाष्टमी उसको बोलते हैं। तो उस दिन क्या होता है? ऐसा होता है, क्या होता है कि उस दिन, इसलिए लोग अर्धरात्रि में नहाते हैं। तो यहां बता रहे हैं, श्री राधा कुंड गोवर्धन पर्वत की तलहटी में शोभायान है, कार्तिक माह के कृष्णाष्टमी इन इन दिनों कुंड की प्रकट स्थिति है, तिथि है, बहुलाष्टमी के दिन यहाँ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को श्री राधा कुंज बिहारी के श्री हरि की सेवामयी प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। जो लोग बहुलाष्टमी के दिन श्री राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करते हैं, उसको भगवान के प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। ऐसा कहाँ लिखा है? पद्म पुराण में। कि गोवर्धन गिरौ रम्ये राधा कुंडम प्रियम हरे, कार्तिके बहुलाष्टम्यां यत्र स्नात्वा हरे प्रिय। क्या कह रहे हैं? गोवर्धन गिरौ रम्ये, गोवर्धन गिरिराज के रम्य स्थान में, पास में ही
राधा कुंडम प्रियम हरे, श्री हरि को प्रिय लगने वाले श्रीमती राधा रानी का कुंड है राधा कुंड। कार्तिके बहुलाष्टम्याम यत्र स्नात्वा हरे प्रियः, जो कार्तिके बहुलाष्टम्याम बहुलाष्टमी में यत्र स्नात्वा जो स्नान करता है उसको क्या होता है, हरे प्रियः, भगवान की प्रिय भक्ति उसको प्रेम भक्ति प्राप्त होता है जो लोग कार्तिक माह में स्नान करते हैं। कहाँ पे, राधा कुंड में, अर्धरात्रि में। तो दीपोत्सवे कार्तिके च राधा कुंडे दुधीष्टर दृश्यते सकलं विश्वं भृत्यैर् विष्णुपरायणै। क्या कह रहे हैं, दीपोत्सवे कार्तिके, जो कार्तिक का दीपोत्सव होता है किस समय, दीपावली के दिन, उस दिन अगर कोई राधा कुंड में दीपोत्सव करता है, हे युधिष्ठिर दृश्यते सकलम विश्वम, उसको राधा कुंड से ही मानो सकल विश्व दिखाई देगा, संपूर्ण 84 कोष दिखाई देगा। भृत्यैर् विष्णु परायण, किसको दिखेगा, जो विष्णु परायण भक्त है, जो विष्णु के भृत्य गण हैं, भृत्य मतलब उनके निज गण, भृत्य के मतलब क्या होता है, निज जन, उनके निज जनों को उस दिन अगर वहां दीप जलाएंगे, कौन भगवान के निज जन है तो पता चल जाएगा, उसको दिखेगा, क्या दिखेगा, समस्त ब्रज 84 कोष राधा कुंड से ही दिखाई देगा, ऐसे कह रहे हैं। इसलिए ब्रजमंडल दिख पड़ता है, उसको क्या करता है, ब्रजमंडल दिख, अखिल ब्रह्मांड तथा संपूर्ण ब्रजमंडल दिखता है उसको, अखिल ब्रह्मांड भी दिख जाता है। सकलम विश्व, सकलम विश्व मतलब अखिल ब्रह्मांड दिखता है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण के द्वारा गमन के पश्चात ये कुंड लुप्त हो गए थे, और महाराज वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के पौत्र सांडल्य आदि ऋषियों के अनुगत्य में ब्रज की लीला स्थलियों को फिर से प्रकाशित किया। इन दोनों के दोनों कुंडों का भी पुनः उद्धार किया, किंतु 5000 वर्षों के पश्चात ये दोनों कुंड पुनः लुप्त हो गए। 5000 के बाद ये दोनों ही कुंड पुनः लुप्त हो गया। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे उस समय यहाँ के लोगों ने श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के विषय में पूछा महाप्रभु से। महाप्रभु ने यहाँ के लोगों को राधा कुंड और श्याम कुंड के विषय में पूछा, पर कोई भी बता नहीं पाया। जब कोई बता नहीं पाया तब राधा महाप्रभु पूछते हैं, कुछ तो होगा, बोलते हाँ है ना, एक खेत है गौरी खेत, अरे खेत है श्याम खेत, जाओ वहाँ है, ऐसा कहा। लोग गौरी खेत और श्याम खेत के नाम से जानते थे। और महाप्रभु जब उस गौरी खेत और श्याम खेत में आए और गौरी खेत के जल को लेके आँखों में डालने लगे, हृदय में डालने लगे, और महाप्रभु का हृदय गदगद हो गया, प्रेम में प्रेम में आप्लावित हो गए, और क्या हुआ, भाव विभोर होकर के हा राधे हा कृष्ण करके रोने लगे। महाप्रभु बहुत रोने लगे, ऐसी करके पुकारने लगे। तो इससे निश्चित हो गया कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। महाप्रभु ने कहा ये गौरी खेत और श्याम खेत नहीं, ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो हम नहीं जान पाते कि कहाँ
राधा कुंड है, कहाँ श्याम कुंड है, कहाँ वृंदावन है, ये नहीं जानते, क्योंकि वृंदावन भी लुप्त हो चुका था। इसलिए आज भी चतुर्वेदी के समाज लोग वृंदावन को वृंदावन नहीं कहते, वो लोग काम्यवन को वृंदावन मानते हैं। जो चतुर्वेदी लोग है ना, वो लोग काम्यवन को वृंदावन मानते हैं। मेरे साथ तो कितना बहस होता था चतुर्वेदियों के साथ, मैं तो एक एक के साथ ऐसा बहस किया, मैंने बोला काम्यवन में यमुना कहाँ है, कहाँ कितनी दूर है यमुना, जैसे वृंदावन में ही है यमुना, ऐसे यमुना कहाँ है काम्यवन में। फिर दूसरी बार मैंने बोला वहाँ कालियादह कहाँ है काम्यवन में, बताओ हमको, जैसे भागवत में वर्णन है कालियादह का, कहाँ है कालियादह, चुप हो गई, कुछ बोला नहीं, ऐसे करके देखने लगा, कहाँ है काम है वहाँ पे, ऐसा बोला। गोपियों का वस्त्र हरण लीला जो हुआ वो अलग जगह में, बहुत दूर है काम्यवन से, बहुत ज़्यादा दूर है जगह, काम्यवन में नहीं है जमुना, ऐसा कहा, कुछ नहीं बोला। मैंने बोला इसलिए जो वृंदावन वास्तविक में यही है, आज भी चतुर्वेदी समाज के लोग कहते बंगालियों का वृंदावन है। किसका? बंगालियों का। तो इसलिए नहीं जानते थे, इसलिए कहते हैं यदि गौरांग नाही तो तबे की होई तो कैमने धरी तांग दे। महाप्रभु नहीं होता तो वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंड नहीं जान पाता, महाप्रभु नहीं होते तो श्री राधा की महिमा गोपियों की महिमा कोई नहीं जानता, महाप्रभु की कृपा से ही जान पाए। इसलिए आज भी उस स्थान पे बैठक स्थान है महाप्रभु का, जो रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में उसका निर्माण करवाया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से राधा कुंड में आकर भजन करने लगे। पहले जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जगन्नाथपुरी में रहते थे, और वहाँ से फिर कहाँ आए, राधा कुंड में आके भजन करने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय मुगल सम्राट के अकबर अपनी बड़ी सेना को लेकर के रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो उसी स्थान पे पहुंचे और उन सबको बहुत प्यास लगा, पानी पीने के लिए उद्धृत हुए कि पानी कहाँ पिए, कहीं भी जलाशय दिखता नहीं। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी से आके पूछा मुगल के सम्राट अकबर कि हम पानी पीना चाहते हैं, कोई सरोवर है तो बताओ, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा कि ये खेत है ना, खेत से पानी पी लो। वहाँ पे आके देखा तो छोटा सा खेत है, उसमें थोड़ा सा पानी है। उन्होंने सोचा अभी हमारा तो बहुत सारे लोग प्यासे हैं, इससे तो ये हाथी का पेट पानी मतलब पानी पी के ख़त्म ही हो जाएगा लग रहा है, हाथी का भी पूर्ण रूप से पानी प्यास बुझेगा कि नहीं पता नहीं ऐसा। पर रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी के कहने से वो तब पीने लगे और सब पी के सब के पेट भी भर गया और पानी का एक बूंद भी कम नहीं हुआ, ऐसा हुआ। इस चीज को देख के मुगल के सम्राट कौन अकबर बड़ा हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। इसी प्रकार सबका प्यास बुझ गया, किंतु दास गोस्वामी अब एक दिन क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी जब वहाँ पर भजन कर रहे थे उस समय उनके मन में उन दोनों कुंडों को उद्धार करने की बात आई। मन में क्या हुआ, सोचने लगे, भजन करते करते ऐसे सोच रहे हैं, सुंदर ये दोनों कुंड का निर्माण हो, बहुत सुंदर लगेगा कुंड, ऐसे ऐसे सोच रहे हैं। फिर बाद में सोच रहे, हे भगवान मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, इसके लिए धन चाहिए, फिर धन के लिए मैं इधर उधर जाऊँ, ऐसा मेरे मन में क्यों आया ऐसे कहने लगे।
इतने में क्या हुआ, बद्रीनाथ से एक व्यक्ति आया जो भगवान के भक्त था, और उसको बद्रीनाथ ने आदेश दिया कि तुम जाओ मेरे राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण कराओ रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ से, ऐसा कहा। तब बद्रीनाथ से वो आकर के ढूंढते ढूंढते रघुनाथ दास गोस्वामी पास आए और कहा, मेरे को प्रभु श्री बद्रीनाथ ने भेजा आपके पास, मैं बड़ी मुश्किल से आपके पता ढूंढ के आया हूँ, आप मेरे से धन लीजिए और इस कुंड की निर्माण कीजिए, ऐसा कहा। वो धन वापस कर दिया था, बोलना हमको नहीं करवाना कुंड कुंड कुछ, हम ऐसे ही ठीक है, मैं वापस कर दिया। पर पुनः राधा रानी के आग्रह पर रघुनाथ दास गोस्वामी उन कुंड का निर्माण किया। सबसे पहले किस कुंड का निर्माण किया है, राधा कुंड, अंदाज से मार रही है, सबसे पहले राधा कुंड का निर्माण किया रघुनाथ दास गोस्वामी, किसका, राधा कुंड, सुंदर चकोर राधा कुंड बन गया। और फिर श्याम कुंड का निर्माण करने की जब बारी आई, उसमें कई सारे पेड़ थे, तो उन्होंने सोचा चकोर बनाने के लिए पेड़ तो काटना पड़ेगा। अब पेड़ काटने की जब बारी आई, तब रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज भजन कर रहे थे, और भजन करते करते आंख बंद करके लोग करते ना ऐसे ध्यान में चले जाते, और ध्यान मग्न तंत्र अवस्था ध्यान में चले गए। तंत्र अवस्था ध्यान जानते हैं, तंत्राध्यान, तंत्राध्यान मतलब जागे होते हैं, बैठे रहते हैं, वो जो संसार के लिए नींद की झपकी बोलेंगे, पर जो भगवत पार्षद भक्त हैं उनको नींद नहीं कहेंगे, उसको उनको कहेंगे तंत्रा ध्यान। तो वो ध्यान में ऐसे भजन कर रहे थे भगवान के, और भजन करते करते देखा उनके सामने पांचों सुंदर सुंदर पुरुष आके खड़े हुए, बहुत सुंदर रूप, सफ़ेद वस्त्र पहन के खड़े हुए, और आके कहने लगे, हम पंच पांडव है, तुम इस पेड़ को काटना नहीं है, पंच पांडव रूप से हम जुगल किशोर की आराधना यहाँ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हम जुगल किशोर की सेवा प्राप्त करने के लिए राधा कुंड में हम भजन कर रहे हैं, तो इसलिए ये पेड़ को हमारा काटना नहीं, जैसे टेढ़ा मेढ़ा है ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा ही बनाना कुंड को, हमको काटना नहीं बिल्कुल, ऐसा कहा। तब रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते, जैसे कृष्ण टेढ़ा है ऐसे उनका कुंड भी टेढ़ा, इसलिए वो पेड़ काटे नहीं। आज भी वो पेड़ हैं, पर कालक्रम से दो पेड़ ना तीन पेड़, तीन पेड़ नष्ट हो गया, दो पेड़ है ना, तीन पेड़ अप्रकट हो गए, पर दो है अभी भी, नहीं समझे, अप्रकट हो गए होंगे, इसलिए हो सकता है लीला में प्रवेश हो गया होगा, इसलिए तो अभी दो और है, तो ऐसा है, तो इसलिए श्याम कुंड को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके निर्माण किया। राधा रानी ने किससे कुंड बनाया बताया था मैं भी, राधा रानी कंगन से बनाया कुंड। तो ऐसे करके हुआ, तो इसी प्रकार जुगल किशोर का सुंदर कुंड का रचना हुआ। श्री गिरिराज गोवर्धन के उत्तर दक्षिण की ओर मयूराकार में स्थित है। गिरिराज गोवर्धन कहाँ है, उत्तर दक्षिण की ओर, राधा कुंड के उत्तर दक्षिण, दक्षिण की ओर गिरिराज जी स्थित है, और गिरिराज जी कैसे है, मयूराकार में है, जैसे मयूर का पूंछ फैलाने से बड़ा हो जाता है और सिर की तरह पतला होता है, नहीं होता, तो मयूराकार में है। मयूराकार मतलब पेट मोटा होता है, समझ में आया, पीछे के हिस्सा भी पतला होता है और इसके हिस्सा पतला होता है, तो ऐसे करके है। तो पूछ रही
कलहता है उत्तर की ओर। मुखमंडल में दो नेत्र के समान श्री राधा कुंड और श्याम कुंड। गिरिराज जी का दो नेत्र कौन है? राधा कुंड और श्याम कुंड। गिरिराज जी का दो नेत्र है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में राधा कुंड और श्याम कुंड का बड़ा ही रमणीय रसपूर्ण उल्लेख किया है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण समस्त अवतारों के अवतारी है और सबके आदि स्वरूप अनादि अखिल रसामृत मूर्ति सर्वशक्तिमान तत्व होने पर भी कृष्ण सर्वशक्तिमान तत्व होने पर भी आत्मराम आप्तकाम होने पर भी महाभाव स्वरूपा सर्वकांता शिरोमणि श्रीमती राधिका के प्रेम में अधीन है कृष्ण। कृष्ण यद्यपि सर्व आप्तकाम आप्तराम है पर फिर भी महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा राधिका के प्रेम में पूर्ण रूप से वशीभूत है। कैसे? पूर्ण रूप से। वे सदा सर्वदा अपने से भी अधिक अपनी प्रियतमा श्री किशोरी जी की महिमा प्रतिष्ठा करते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? अपने से भी ज्यादा अपनी प्रियतमा की महिमा गायन करते हैं। इसलिए तो कृष्ण राधा की महिमा गाने के लिए महाप्रभु बन के आए हैं। तो कृष्ण की कृष्ण का वो क्या है? अभिष्ट राधा रानी के महिमा का गायन कर। कृष्ण का अभिष्ट क्या है? राधा रानी के महिमा का। इसलिए तो श्री कृष्ण श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। क्या कह रहे हैं? रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण किया। कैसे किया? रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के मनोभिष्ट क्यों पूर्ण किया? महाप्रभु के मनोभिष्ट क्या है? श्री चैतन्य मनोभिष्ट क्या है? चैतन्य का मनोभिष्ट, चैतन्य का मनोभिष्ट है कृष्ण प्रेम। कौन है? श्रीमती राधा। कृष्ण का प्रेम कौन? श्रीमती राधा। तो कृष्ण का मनोभिष्ट क्या है? राधा रानी की महिमा का वखान करना, गाना। तो इसलिए श्री चैतन्य मनोभिष्टम महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण की मनोभिष्ट क्या है? राधा रानी की महिमा जगत में प्रकाशित करना। तो ऐसे चैतन्य मनोभिष्ट कौन स्थापित किया? श्रील रूप गोस्वामी पाद ने किया। इसलिए कृष्ण प्रेम की महिमा का वखान कौन किया? श्रील रूप गोस्वामी पाद ने किया। तो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण का क्या रहता है? हमेशा श्रीमती राधा रानी का महिमा का गायन करना ही कृष्ण का यही रहता है। और श्याम कुंड अपने स्वरूप में अभिन्न स्वरूप श्री राधा और श्याम कुंड, फिर भी उन्होंने स्वयं राधा कुंड को ही प्रसिद्ध प्रदान की। यद्यपि श्याम कुंड और राधा कुंड कोई भेद नहीं, अभेद है, फिर भी राधा कुंड की महिमा उन्होंने स्वयं सिद्ध किया है। श्री राधा कुंड के उत्तर में स्वर्णमय अष्टदल कमलाकार ललिता नंद नामक श्री ललिता देवी का कुंज है। क्या है? कैसा? किससे निर्मित है? अभी सुना फिर भी ऐसे बोल रही हूँ। स्वर्णमय क्या है? स्वर्णमय अष्टदल, यहां बैठो। स्वर्णमय अष्टदल कमलाकार, क्या कर है? कमलाकार। अष्टदल कमला, अष्टदल कमल मतलब आठ पंखुड़ियों से युक्त
स्वर्ण से निर्मित है। कैसा है? स्वर्ण से। उनके जो कुंज है वो कुंज कैसा बना हुआ है? अष्ट कमल के पंखुड़ियों से युक्त सोने के पंखुड़ी, और उसके बीच में सुंदर कुंज है। क्या है? सुंदर कुंज है उसके बीच में। और श्री कृष्ण के ईशान कोण, कृष्ण कुंड के ईशान कोण में मणिमय 16 दल कमला आकार विशाखा सखी का विशाखानंद कुंज है। क्या है? किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? मणि, मणि से बना है। ढंग से नहीं सुन रही है? मणि से बना है और 16 पंखुड़ियों से युक्त है विशाखानंद कुंज। और पूर्व दिशा में चित्रा सखी का चित्रानंद कुंज है। और अग्नि कोण में इंदुलेखा हीरा निर्मित अष्टदलाकार इंदुलेखा कुंज है। किससे? किससे? हीरे के, हीरे के कमल के पंखुड़ी हैं और उसके ऊपर कुंज सजा है। समझ में आया? हीरे के कमल की, हाँ, कमल के पंखुड़ी है ना, वो किससे है? हीरे से निर्मित है और उसके ऊपर सुंदर कुंज सजा है। और वो कमल दल कितने हैं? अष्टदल कमलाकार है। जैसे कमल के ऊपर भगवान भी बैठते खड़े रहते हैं, देखा होगा, ऐसे कमल के ऊपर कुंज सजा है। समझ में आया? नहीं आया? सुंदर कुंज बना हुआ है। इसके किससे बना है? हीरे से। इसका इंदुलेखा का। और दक्षिण पश्चिम में चंपक लता का है, चंपक लता सखी का, सुवर्ण कमलाकार चंपक लता का कुंज है। सुवर्ण कमलाकार इनका सोने का है, सोने के कमलाकार से बना है। और रैतिक कोण में नील मणि कमलाकार रंग देवी सुखद रंग देवी का कुंज है। सुखद कुंज रंग देवी का है। इनका कैसे है? नीलमणि से बना हुआ है कमल। और पश्चिम दिशा में लाल मणिमय कमलाकार तुंग विद्या नंद कुंज है। इससे लाल मणि से कमलाकार में तुंग विद्या का कुंज है। तुंग विद्या सखी का कुंज है। और वायु कोण में मरकत मणि विजरित कमलाकार सुदेवी का कुंज है। मरकत मणि ये सब होता है, मणि मरकत मणि सुदेवी का कुंज है। सुदेवी सुखद आनंद कुंज है। सुदेवी का कुंज का नाम के सुखद आनंद कुंज है। तथा श्री राधा कुंड के मध्य में चंद्र कांति मणि विरचित षोडश कमलाकार अनंग मंजरी का आनंद कुंज है। अनंग मंजरी का राधा कुंड के मध्य में किसका कुंज है? आनंद कुंज है। किसका? अनंग मंजरी का, जिसे स्वानंद सुखद कुंज भी कहते हैं। क्या कुंज कहते हैं? स्वानंद सुखद कुंज भी कहते हैं। इसलिए भजन स्वानंद सुखद कुंज मनोहर कहते कुटीरा सो भे।
ये स्वानंद सुखद कुंज है, यह अनंग मंजरी का कुंज है। यहाँ जाने के लिए चंद्रकांत मणि का सेतु है। यहाँ जाने के लिए क्या मणि का सेतु है? सेतु मतलब पुल। किस मणि से? चंद्रकांत की मणि से निर्मित पुल है। समझ में आया? वृंदावन में जो धूल है ना, धूल वो चिंता मणि है। क्या है? चिंता मणि। जैसे हीरे को पीस दो तो कैसा बनेगा? पाउडर जैसा नहीं हो जाएगा? जैसे बालू कैसा है? रेत चमकता है ना हीरे जैसा, ऐसा ही वृंदावन के धूल कणी भी ऐसा चमकता है, पर होता है क्या? मिट्टी जैसा, पर वो मिट्टी नहीं होता। समझ में आया? क्या होता है? चिंता मणि से जड़ित होता है। ऐसा ही उनके जो पुल बना हुआ है सेतु, वो कौन से मणि से निर्मित है? चंद्रकांत मणि से सेतु है। इसी प्रकार श्री राधा कुंड के वायु कोण में हीरा पन्ना जहरात से निर्मित एक परम रमणीय स्थान है, जहां श्रीमती राधिका नित्य स्नान करती हैं। करती हैं नित्य स्नान करती। किससे जड़ित है? हीरा पन्ना जहरात से निर्मित एक परम रमणीय स्थान है, जहां श्रीमती राधिका नित्य स्नान करती हैं। इसके उत्तर में सुवल सखा कुंज है। राधा कुंड के उत्तर दिशा की ओर किसका कुंज है? सुवल सखा, सुवलानंद कुंज है, जिसे इन्होंने श्रीमती राधा जी को अर्पण कर दिया। सुवल सखा ने अपना कुंज किसको दे दिया? श्रीमती राधा। यहाँ श्री राधा कृष्ण क्या करते हैं? इस कुंज में शयन करते हैं। सुवलानंद कुंज में राधा कृष्ण क्या करते हैं? शयन करते हैं। श्री राधा कुंड के उत्तर श्वेत मणिमाए मधुमंगलानंद कुंज है। राधा कुंड के उत्तर दिशा में कौन सा कुंज है? मधुमंगलानंद कुंज है। और मधुमंगल जी का कुंज है, जिसे इन्होंने ललिता सखी को अर्पण कर, इन्होंने किसको दे दिया? और श्री युगल किशोर नाना प्रकार से हास परिहास करते हैं। इस कुंज में क्या करते हैं? राधा कृष्ण जाके वहां हास परिहास करते। ईशान कोण में उज्ज्वल सखा अरुणमय स्वानंद कुंज है। कौन सा? नहीं, उज्जलानंद कुंज है। स्वानंद नहीं, उज्जलानंद कुंज। उज्जलानंद कुंज अरुणमय है। अरुणमय मतलब लालिमा युक्त, सूर्य कांति की जैसा, जो प्रातः सूर्य कांति जैसा होता है, ऐसा अरुणा रंग का है। उज्जलानंद कुंज है, जिसे इन्होंने विशाखा देवी को अर्पण कर दिया। और पूर्व दिशा में अर्जुन सखा नीलमणिमय अर्जुनानंद कुंज है। नीलमणि का अर्जुनानंद कुंज है, जिसे इन्होंने किसको दे दिया? चित्रा सखी को दे दिया, अर्पण किया। अग्निकोण में गंधर्व सखा चित्र विचित्र मणिमय गंधर्वानंद कुंज है, जिसे इन्होंने इंदुलेखा को अर्पण किया। किसको किया? इंदुलेखा को। दक्षिण कोण में हरित मणिमय विदग्धानंद नामक विदग्ध सखा का कुंज है। विदग्ध नामक सखा है कृष्ण के, उसके कुंज है। इस कोण में, दक्षिण कोण में इन्होंने किसको दे दिया? चंपक लता को दे दिया। जुगल किशोर चौपर खेलते हैं यहाँ इस कुंज में। क्या करते हैं? चौपर खेलते हैं, जिसे इन्होंने चंपकलता को दिया। जब आके यहाँ चौपर खेलते। ऋतिक कोण में
भृंग सखा भृंगानंद कुंज है, जिसे भृंग सखा ने रंग देवी को अर्पित कर दिया। और पश्चिम विचित्र मणिमय दक्षानंद कुंज है, जो दक्ष सखा है कृष्ण, दक्षानंद कुंज है। दोनों कुंड के मध्य विविध प्रकार की मणियों से रचित संगम स्थल है। दोनों कुंड के मध्य क्या है? संगम स्थल। यहाँ क्या है? विविध मणियों से जड़ित है संगम स्थल, जिसे कृष्ण लीला का योगपीठ भी कहते हैं। संगम कुंड, संगम स्थान को क्या कहते हैं? कृष्ण लीला का योगपीठ है। तथा पश्चिम में कोकिलानंद कुंज है, कोकिल सखा ने सुदेवी को अर्पण किया था। कृष्ण के सखा का नाम कोकिल है, जानते हो? कोकिल है। तो कोकिल सखा ने किसको दिया? ये सब सखा कौन से सखा है? प्रिय नर्म सखा है। श्री कुंड के दक्षिण में चंपक वृक्ष की डालियों में रत्न झूले लगे हैं। क्या है? कुंड के दक्षिण में चंपक वृक्ष में, वृक्ष के डालियों में रत्नों के झूले झूल रहे हैं। और कदम वृक्ष की डालियों में रत्न झूले, पश्चिम में आम्र फल की डालियों में रत्न निर्मित हिलो हिंदोले, तथा उत्तर में मौल मिश्री वृक्ष की डालियों में रत्न हिंदोले लगे हुए हैं। हिंदोले लगे, हिंदोले क्या होता है? झूले। हिंदोले मतलब झूला नहीं होता, और रस्सी बांध देते बीच में और ऐसे 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 घूमते हैं। देखा है? नहीं देखा? और रस्सी बांध के उसमें रस्सी को पकड़ के ऐसे लटक जाते हैं और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं। देखा है कभी? नहीं। अकेला व्यक्ति ऐसे घूमता है? नहीं घूमता। हाँ, एक रस्सी लटकता है, फिर वो ऐसे जाता है तो अपने आप घूम नहीं बैठता ना, उसको हिंदोला कहते हैं। तो ये सब लगे हैं। दोनों कुंडों के चारों ओर हरे भरे फल पुष्पों से युक्त आम्र कटहल कदम्ब मौलिश्री, ये सब पेड़ का नाम है मौलिश्री आदि कल्पतरु है। क्या है? कल्पतरु। ये सब के सब कल्पतरु है, आम के वृक्ष भी कल्पतरु है। कल्पतरु का मतलब क्या है? जो मांगोगे वो देगा, जो मांगेगा, जो इच्छा करेगा वो देगा, ये कल्प। हम जब उधर भागवत करने जा रहे थे, हमने सच पहले ही बोल रहे, देखा भी नहीं मंदिर, हमने कहा मंदिर बुढ़िया दे रही तो सुन जाऊंगा, मैंने बुढ़िया को भी नहीं देखा, पहले बोला है। कहने की तात्पर्य क्या है? ऐसे ही वृक्षों से कुछ मांगोगे देगा, ये सब है कल्प वृक्ष। अरे रीतियों के सदा सर्वदा युगल की सेवा करती हैं, जो समस्त ऋतु, कितने ऋतु है? ऋतु कितना है? कोई सात कह रहा है, कोई छह कह रहा है, कोई चार कह रहा है। छह ऋतु होते हैं। क्या होते हैं? छह ऋतु होते हैं, सात समुंदर होता है, चार वेद होता है, हाँ? एक चंद्र होता है, दो पक्ष होता है, तीन शिव जी का नेत्र होता है,
और चार वेद होता है और पंच पांडव होता है छह ऋतु होता है सात समुद्र होता है आठ अष्टवसु होता है नौ नव ग्रह होता है और दस दस क्या होता है दस दिशाएं होते हैं क्या होता है दसो दिशाएं होते हैं समझ में आया नहीं आया है? तो कहने की तात्पर्य क्या है छह ऋतु हमेशा रहता है वृंदावन में छह ऋतु हमेशा एक साथ रहता है मतलब बसंत ऋतु हमेशा रहता है छह ऋतु बसंत ऋतु के अनुगत्य में हमेशा उनकी सेवा करते हैं इसकी सेवा करता है बसंत ऋतु की सेवा करता है छह ऋतु तो छह ऋतु ऋतुओं में ऋतुराज कौन है बसंत ऋतु ही ऋतुराज है समस्त ऋतुओं में ऋतुओं का राजा है बसंत ऋतु तो वृंदावन में हमेशा कौन सा ऋतु रहता है बसंत ऋतु रहता है हाँ। और कोयल कुहू करती है मयूर अपना गान गाती है ये सब अपना गाना भजन गाते हैं बसंत ऋतु के अनुगत्य में सभी ऋतुएं सदा सर्वदा युगल की सेवा करती हैं और वृंदा देवी विविध प्रकार के परिपाटियों के साथ युगल सेवा के लिए अनुरूप सारी व्यवस्था संपन्न करती है कौन करती है वृंदा देवी करती है यहाँ कोयल से कुहकादि मयूर मधुर के का शब्द के का मतलब मेरे को तो ऐसे सुनाई देता था और मयूर ऐसा था काका ऐसा करता है ना मेरे को लगता है जय हो राधे ऐसा लगता था कभी कभी सुनने में है ना मयूर राधे राधे कहता है वैसे ढंग से सुनेंगे ना ऐसे कान लगा के ध्यान करके तो ऐसा लगेगा मयूर राधे राधे ऐसे कर रहा है ऐसा लगता है वृंदावन में सुनना कभी ऐसा लगता है और कभी कभी लगता है पूरा ऐसा लगता है जय हो कर रहा है क्या है तो मयूर के केका निदात करते हुए नृत्य करते हैं अश्री कुंडों में नील कमल लाल कमल नाना प्रकार के केतकी पुष्प कुंड की तरंगों पर अटखेलियां करते हैं कुंड के तरंगों में फूल क्या करते हैं अटखेलियां करते हैं अटखेलियां मतलब जानते हैं फूल खुश होकर के मानो फूल खेल रहे हैं ऐसे ऐसे आनंद के साथ फूल ऐसे ऐसे खेल रहे हैं आपस ऐसा ऐसा होता है समझ में आया मानो अटखेलिया करते हैं मतवाले भिंग उन पर झंकार करते हुए उनके जल में राजहंस हंसी क्या करते हैं कलरव करते हैं और चक्रवाक चक्रवाकी जानते हैं जल पक्षी होते हैं ये सब चक्रवाक चक्रवाकी क्या हो तो पानी में डूब जाता है ऐसे करके और बहुत देर तक डूबा रहता है उसको कोई ढूंढ नहीं पाता ऐसे फिर उठ जाता है ऐसे समझ में हंग से जैसा ही होता है तो चक्रवाक चक्रवाक सारस सारसी कलरव करते हैं विहार करते हैं कृष्ण की डालियों कृष्ण वृक्ष की डालियों पर विभिन्न प्रकार के पक्षी श्री राधा कृष्ण युगल के स्वर काव्य गुणगान करते हैं राधा कृष्ण के स्वर काव्य गुणगान करते हैं उनकी प्रीति उत्पादन करते हैं किसकी प्रीति उत्पादन करते हैं राधा कृष्ण की प्रीति उत्पादन करते हैं कौन ये चिड़िया ये पक्षियां वहां के सुरम्य कुंज के पास आस पास हिरण हिरणियां विचरण करती हैं इस वन में श्रीमती राधिका की एकांत सहेलियों के अतिरिक्त किसी का भी प्रवेश नहीं है इस वन में राधा रानी के एकांत सेवक
सेवा हुए बिना किसी का भी इस वन में प्रवेश नहीं है, जो आएगा वो मर जाएगा। इस वन में किसी के प्रवेश है ही नहीं, केवल किसका है, राधा रानी की अनुगत एकांत सखियों का ही इस वन में प्रवेश है। श्री राधा कुंड के पश्चिम में झूलन लता है। हाँ। एक समय श्री सनातन गोस्वामी पार रूप गोस्वामी राधा कुंड के उत्तर पूर्वी दिशा में रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटी के निकट बैठे हुए कृष्ण कथा के विभोर हो रहे थे, कृष्ण कथा में विभोर हो रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद से पूछा कि आजकल तुम क्या लिख रहे हो, क्या ग्रंथ की रचना कर रहे हो, ऐसा पूछा। तब उन्होंने बताया स्वरचित चाटु पुष्पांजलि का मैं वर्णन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब इसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।